पृथ्वी या अर्थ जिस ग्रह पर हम रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हमारे ग्रह का नाम अर्थ कैसे पड़ा? तो आज मैं आपको अर्थ के कुछ फैक्ट्स और थियोरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ग्रह पर इतना सारा पानी कहाँ से आया? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हमें पता है, पानी पृथ्वी के सतह के 70% हिस्से को कवर करता है, जिसके कारण हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और फिर भी ये कहाँ से आया? जैसा कि हमें पता है कि हमारे सौरमंडल के ज़्यादातर ग्रहों में पानी मौजूद नहीं है, तो हमारे ग्रह में ही इतना पानी कैसे और क्यों मौजूद है? ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि जब 4.5 अरब साल पहले ग्रह पृथ्वी का निर्माण हुआ था, वह एक सूखा और चट्टानी ग्रह था। इसीलिए सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि H2O यानी कि पानी बर्फ से भरे कई विशाल एस्टेरॉइड्स के रूप में आया था। दूसरे थ्योरी की माने तो पृथ्वी ने इसे गैस और धूल से बनाया था, जिससे सोलार सिस्टम बना था। वैसे असल में पानी कहाँ से आया ये कोई नहीं जानता। ये सब तो हो गई पानी की बातें, तो चलिए अब ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा कि ऑक्सीजन तो पेड़ से आता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। पेड़ों से हमें सिर्फ 20-21% तक ऑक्सीजन मिलता है, तो 80-79% ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? असल में जो बाकी का ऑक्सीजन है वो हमें एक माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स से मिलता है, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जो कि अपने वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो चलिए अपने धरती से थोड़ा बाहर निकलकर अपने चंदा मामा यानी कि मून के पास चलते हैं। क्या आपको पता है कि मून कैसे बना था? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। वैसे वैज्ञानिक सही तौर पर आज तक ये नहीं बता पाए कि चांद कैसे बना था, हाँ लेकिन इसके कुछ थियोरीज है। चलिए अब उस थियोरीज के बारे में जानते हैं। थियोरी नंबर 1, कई लोगों का मानना है कि मून अर्थ और थोड़े छोटे प्रोटो प्लैनेट के बीच टकराव के कारण बना होगा। थियोरी नंबर 2, अपोलो मिशन से हमें ये पता चला था कि मून और अर्थ का केमिकल कंपोजिशन कई हद तक सेम है, जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद मून कोई अलग बॉडी नहीं बल्कि हमारे अर्थ के ही टुकड़े से बना हो। थियोरी नंबर 3, शायद मून एक अलग या सेपरेट बॉडी हो, जो कि शायद हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे ऑर्बिट में आ गया हो। तो ये थी मून फॉर्मेशन की 3 थियोरीज। तो चलिए अब फिर से मून से धरती पे चले जाते हैं। क्या आपको पता है अर्थ का नाम अर्थ कैसे पड़ा? अर्थ का नाम अर्थ कैसे पड़ा ये जानने से पहले आप जान लीजिए कि अर्थ को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि पोर्टुगीज में अर्थ को टेरा नाम से जाना जाता है, जर्मन से इसे एर्डा कहते हैं, डच में एर्डा के नाम से जाना जाता है, और टर्की में दुनिया और हिंदी में पृथ्वी। इन सारे नामों का मतलब ज़मीन या ग्राउंड होता है। ये माना जाता है कि अर्थ नाम ज़्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 1000 साल पुराना है। पहली बार एंग्लो सैक्सन्स नाम के ग्रुप ने अर्थ को एर्डा कहा था। सैक्सन्स असल में जर्मन के थे, जिन्होंने 5th सेंचुरी में ब्रिटेन को कब्जा किया था। इंग्लिश में एर्डा का मतलब अर्थ निकला था, जिसका मतलब भी ज़मीन होता है। ऐसे हमें अर्थ का नाम मिला था, लेकिन ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि अर्थ का नाम असल में किसने बनाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।